हाय गाइस, आप लोग का बहुत 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 स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वापस एक नई वीडियो लेके आ चुके हैं, जिसमें वापस से हम बात करेंगे अपने वर्क वीक के बारे में। आज हम चैप्टर 9 की स्टेज 1 क्लियर करेंगे। 8 के तो अभी बहुत टाइम है, मतलब हाँ, लेकिन हाँ, आज या कल में क्लियर कर ही लेंगे स्टेज 8। मतलब आज या कल में, वैसे ज़्यादा चांसेस हैं आज में ही स्टेज 8 की वीडियो आ जाएगी। अगर आज नहीं आई तो कल तो पक्का ही आ जाएगी। तो यार देखो, स्टेज 1 में जो है ना, अपन को डिफेंसिव नहीं जाना है, अपन को सीधा अटैक करने के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर डिफेंसिव जाएंगे तो ये टावर जो दिख रहा है तुम्हें, इनकी एक खासियत है, इनकी इनफाइनाइट रेंज होती है, सीधा अपने बेस को हिट कर देंगे और अपना काम ख़त्म। तो अपन लोगों को एक टावर लगाना है पीछे, और यहाँ पे अपना कैलवरी और रेंज बस छोड़ते आना है बस, और हीरोज़ के साथ बस, उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। इतना ज़्यादा छोड़ देना है कि मतलब अपन लोग उन पर हावी हो जाएँ। और जैसे ये जो है अपना, ये क्या बॉम्बिस्टर, इसको आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि भाई इसका एक गोला बेस कैसे तैसे कर देगा पूरे। तो इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इस पर ही जैसे वो बॉम्बिस्टर आए ना, तुरंत इस पर ही कैलवरी रेंज सब छोड़ना है तुम लोगों को, इस पर ही, और किसी पे मत छोड़ना। अगर बॉम्बिस्टर आ रहा है सामने, तो अगर वो अपनी ये क्या नाम है, बॉनपेटाइट भी जा रही है, जाने देना, सिर्फ बॉम्बिस्टर को मारने में फोकस करना, क्योंकि बॉनपेटाइट तो मर ही जाएगी, लेकिन अगर बॉम्बिस्टर जिंदा रह गया तो वो सब ख़त्म कर देगा एक बार में। तो देख सकते हो यार, इतनी सारी रेंज और अपना कैलवरी रेंज, मतलब कैलवरी और रेंज छोड़ रखी है कि मतलब इकट्ठा, मतलब हावी हो गया उन लोगों को, जैसे वे से निकलते हैं तुरंत ही मार रहे हैं हमारे ट्रूप्स। तो यही करना है बस, अगर इतना कर लिया तो ये स्टेज बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी। वैसे ये स्टेज है भी बहुत आसान, तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन तब भी जिनको भी प्रॉब्लम आई उनके लिए वीडियो। यार देखो, ये कितने आसानी से क्लियर हो रही है। यहाँ पे वापस से अभी बॉम्बिस्टर एक निकलेगा, लेकिन अपन उसको, वैसे वो बॉम्बिस्टर निकलते ही मर जाएगा, क्योंकि मैं इतनी सारी रेंज और कैलवरी छोड़ चुका हूँ ना, कि अब कोई फ़ायदा नहीं है बॉम्बिस्टर निकले। और हाँ एक बात और, केवल कैलवरी नहीं लेना, क्योंकि पहली बार मैंने केवल कैलवरी लेके ट्राई मारा था, उससे काम नहीं बना था। रेंज अपने को चाहिए होगी, क्योंकि ये जो T5 तोपे हैं, ये जो T4 तोपे हैं, ये बड़ी गलत चीज़ है, बहुत तगड़ा हिट करती हैं और सीधा जाके बेस को हिट करती हैं। देखो बॉम्बिस्टर निकला, इसने एक बार में कितने कैलवरी और आर्चर को मारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, तुरंत ही मर गया। और अब यहाँ पे देख सकते हो यार, कितनी आसानी से ये स्टेज हो गई है क्लियर। सिर्फ 5 लोग बचे हैं और अब हो चुकी है ये स्टेज क्लियर। यार बस ये वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अभी आ ही रही होगी तुरंत ही, अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो हो सकता है तब तक आ चुकी होगी। यार बस एंड करता हूँ ये वीडियो, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।